खबरों के लिए बने रहिए पीपीसी न्यूज चैनल के साथ। वाराणसी आरआरजी लाइन में दिव्यांगों का सहारा बनी एल्मिको ने सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और एल्मिको कानपुर के सहयोग से चिन्हित सैकड़ों दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल व्हील चेयर समेत कई सहायक उपकरण वितरित किए। किस तरह का कार्यक्रम है आज दिव्यांगजनों के लिए? सरकार की तरफ से जो व्यवस्था प्रोवाइड की जा रही है, उपकरण वितरण का कार्यक्रम है इनके लिए। जिनको जिस तरह का ज़रूरत है उस तरह का से इनको बैसाखी ट्राईसाइकिल व्हील चेयर और एक हमारे यहाँ छोटा बच्चा है जो अंध है, दोनों आँख से नहीं देख पा रहा है, उसके लिए पढ़ने के लिए अलग से उसको मशीन प्रोवाइड कराई गई है और कुछ लोग के लिए हेयरिंग मशीन प्रोवाइड कराई जा रही है। इस तरह से तमाम जो उपकरण इनको है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। एलएमको के लोग यहाँ पे हैं और इनके द्वारा ही उपकरण तैयार करा के प्रोवाइड कराया गया है। मैं दिवाकर सिंह, खंड विकास अधिकारी आराजी लाइन। जितने भी हमारे दिव्यांग भाईजन हैं इनके विकास के लिए हम लोग कई तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे इनकी आर्थिक रूप से इनको और मानसिक रूप से भी इनको मजबूती दिया जा सके। इसके तहत हम लोग प्राथमिकता के तौर पे जितने भी हैं इनको जो दिव्यांग पेंशन है उसका लाभ दिलाना, इसके अलावा सरकार की तरफ से कई एनजीओ जैसे जिस लेमको की तरफ से ये उपकरण वितरण किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ और भी एनजीओ हैं जो अक्सर जो है लगे रहते हैं तो हम लोग उनके संपर्क में रहते हैं, तो उनसे जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ अपने दिव्यांग भाई बहनों को दिला सकें उसके लिए प्रयास रहते हैं। इसके अलावा इन लोगों के अगर जिनके भी शौचालय के जैसे अगर समस्या है, कई लोग आते हैं उनको हम लोग दिलाते हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग अगर जो छूटे हुए हैं जानकारी में आते हैं, लोग आते हैं बताते हैं, तो उनके लिए शौचालय के लिए है, आवास अगर वो गरीब हैं कच्चे घर में रहते हैं आवास की पात्रता सूची में आते हैं तो उनको भी दिलाने का प्रयास जो है हम लोग कर रहे हैं। इसमें जैसे इस वित्तीय वर्ष में चुनाव, चूंकि हमारे जो है चुनाव थे लोकसभा चुनाव थे उसकी वजह से चुनाव के समय में कुछ जो है डिले हुआ था, लेकिन अब हमारी सारी पेंशन ये पेंशन क्वार्टरली आती है तो उसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा हर तीन महीने पर वो है अब रेगुलर आ रही है। भी बैंक में इनके अकाउंट अगर इन लोगों ने अपने मोबाइल नंबर पर अटैच करा दिया है, जानकारी आपकी दे रहे हैं, आपके मोबाइल नंबर आधार नंबर सब फीडिंग कराई जा रही है, तो उन लोगों का ये होता है कि मैसेज जैसे ही पहुँचता है उसमें सिर्फ पेंशन खाते हैं मैसेज आ जाता है जिससे इनको जानकारी मिल जाती है।